गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 की साइंस की क्लास रहेगी। आज का टॉपिक है जल तथा वायु प्रदूषण। इसके अंदर है एक नंबर टॉपिक है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है अशुद्धियों का वायु में अशुद्धियों का वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करना। यानी कि देखो, इसके अंदर जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के अंदर क्या है, वायु के अंदर अशुद्धियां मिल जाती है, जिससे क्या हो जाता है, जो वायु है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित, और उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। यानी अशुद्धियों का, अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों का वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। इसके अंदर देखो, जैसे कल कारखाने हैं या उद्योग धंधे, उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो क्या होती है, क्या अशुद्धियाँ होती है, वो अशुद्धियाँ किसमें मिलती है, शुद्ध वातावरण के अंदर उपस्थित जो शुद्ध वायु है उसके अंदर क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाती है। जैसे ही वो वायु के साथ मिलती है तो जो वायु है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित, उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। आई बात समझे इतने। उसके बाद है आगे प्रदूषक। आगे है प्रदूषक, पदार्थ जो वायु और जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित कहते हैं। इसके अंदर देखो, प्रदूषक क्या होते हैं, यानी वे पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, एक तो वायु प्रदूषण और एक क्या करते हैं, जल प्रदूषण। वे जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, प्रदूषक। जैसे देखो, जल के अंदर अगर कल कारखानों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल इसके अंदर क्या हो जाता है, मिश्रित होता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जल प्रदूषित होता है, उसे क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। और वे पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रदूषण। इतनी बात आई समझे। उसके बाद है मिलावट। इसके अंदर है मिलावट, जहरीले पदार्थों और जहरीले पदार्थों और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति जिससे मानव में रोग उत्पन्न होते हैं, अब देखो इसके अंदर मिलावट क्या होती है, मिलावट यानी कि जहरीले पदार्थ क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ और सूक्ष्म जीव। या तो क्या हो सकती है, मिलावट जहरीले पदार्थ हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में जिससे मानव में क्या होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, मिलावट। उतार लो इसको।
उसके बाद है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के अंदर है वायु में जब नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं वर्षा के साथ ये अम्ल भी पृथ्वी पर नीचे आते हैं इसलिए इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब देखो इसके अंदर अम्लीय वर्षा के अंदर वायु में जब नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के मात्रा बढ़ जाती है, एक तो इसके अंदर क्या है नाइट्रोजन और दूसरा है सल्फर। नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे वर्षा के जल के साथ मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3।
थ्री, एक तो बना लेते हैं इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल तथा एक बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। एक बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल और दूसरा बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो ये अम्ल है वो वर्षा के साथ ये अम्ल पृथ्वी पर नीचे आते हैं। तो ये जब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलके पृथ्वी पे आते हैं तो इसलिए इसे जो होने वाली वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। आज की क्लास को अपनी समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इसके अंदर जल तथा वायु प्रदूषण है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको अपने कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।